हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो आपको गेम दिखाने वाला हूँ खेली गई थी 1963 यूएस चैंपियनशिप। तीसरे राउंड के अंदर बॉबी फिशर का सामना था रॉबर्ट बर्न के साथ। रॉबर्ट बर्न की बात की जाए तो वो उस वक्त आईएम थे और उनके ओपोनेंट थे बॉबी फिशर, वो जीएम थे। और दूसरी बात ये मानी जाती है कि रॉबर्ट बर्न 1 साल के बाद वो जीएम बन चुके थे। रॉबर्ट ने गेम की शुरुआत की d4 के साथ। तो नाइट f3, c4, g6 ये जाना जाता है स्पेशली ग्रीनफील्ड डिफेंस के नाम से। g3, c6, बिशप g2, d5 सेंटर के ऊपर क्लेम किया, c takes d5, नाइट c6, बिशप g7, तो e7, कैसल बाय ब्लैक, नाइट e7, नाइट e2, यहाँ पर शायद नाइट f3 बेस्ट था और नाइट का नेचुरल स्क्वायर यही है, लेकिन उन्होंने अपने बिशप को एक्टिव रखने के लिए खेला होगा शायद। नाइट c6 कैसल बाय वाइट, b6, b3, बिशप a6, बिशप a3। यहाँ पर पूरी तरह से पोजीशन देखी जाए तो पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, सिर्फ दो पीसेस को छोड़कर, ए पॉन और ए नाइट। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल खेला रुक e8। इस पोजीशन के ऊपर आप यकीन मानिए कि इस गेम 10 मूव के अंदर फिनिश हो गई। उन्होंने बॉबी फिशर ने किस तरह से गेम खेला होगा देखिए, सोचिए। Qe2 देन e5 सेंटर के ऊपर अटैक करने की तैयारी की, e takes, d takes, knight takes, Rook f1 प्रेशराइज दिस पॉन, इसके ऊपर 3 अटैक है। उन्होंने उसको जस्ट इग्नोर किया और खेला Nd2, किसी तरह की इस थ्रेट को ए किया, स्टॉप किया फिजिकली इस फाइल को। तो उन्होंने खेला Qc2, नाइट के ऊपर अटैक है फिलहाल, लेकिन बॉबी फिशर ने इस नाइट की कोई परवाह नहीं की और स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्रीफाइस कर दिया। नाइट टेक्स, g4 चेक, तो किंग गया g1 स्क्वायर के ऊपर, वहाँ पर ही जाना चाहिए था। अगर आप किंग को यहाँ पर लेकर आते हो वो उतना अच्छा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद वाइट का अटैक बिल्डअप हो सकता है कुछ इस तरह से। नाइट टेक्स, क्वीन और रुक के ऊपर फॉक है। उन्होंने अपनी क्वीन को सेव किया जैसा कि उन्होंने करना भी चाहिए था। यहाँ पर बॉबी फिशर ने इस रुक को नहीं कैप्चर किया, उन्होंने इस बिशप को कैप्चर किया और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैक के लिए गए। इस पोजीशन के ऊपर अगर आप बिशप को कैप्चर करते हो तो गेम मैं इक्वली मानता हूँ, क्योंकि एक्सचेंज के बदले एक एक एक्सचेंज ही ऑफ है और एक दो दो पॉन भी ऑफ है। इस वजह से मैं पोजीशन इक्वल मानता हूँ, भले एक पीस की लीड है लेकिन रुक के साथ ये इक्वलाइज हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इस नाइट को कैप्चर किया। वो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट मूव है, क्योंकि इस पोजीशन के ऊपर स्पेशली इस ब्लैक के व्हाइट के कैंप में ये बिशप ही है जो किंग के डिफेंस में आ सकता है, उसे ही पहले उन्होंने रिमूव कर दिया। नाइट टेक्स, किंग टेक्स, तो d4 नाइट के ऊपर अटैक है। आप किसी तरह से इस नाइट को नहीं मूव कर सकते। अगर आप मूव करने की ट्राई करते हो तो फॉर्क के अंदर आपकी क्वीन जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खेला नाइट टेक्स। अगर आप क्वीन से कैप्चर करते हो वो भी उतना अच्छा नहीं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वीन ही कैप्चर हो जाएगी। नाइट टेक्स, बिशप d7, यहाँ पर वाइट के पास दो ऑप्शन है। अगर आप g1 के ऊपर जाते हो वो उतना अच्छा ही नहीं, किंग g1, बिशप टेक्स, तो क्वीन टेक्स, और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा कूल टैक्टिक आ रही, रुक e1, रिमूव द डिफेंडर। इस पोजीशन के ऊपर आप रुक को नहीं कैप्चर करते और किंग को मूव करते हैं, क्वीन टेक्स d4, आपको क्वीन को कैप्चर ही करना पड़ेगा। रुक टेक्स और रुक टेक्स, इस पोजीशन के ऊपर ब्लैक एक्सचेंज ऑफ है और ये पोजीशन ऑलमोस्ट विनिंग है, इसलिए इस पोजीशन के ऊपर जीवन के ऊपर कैप्चर नहीं कर जीवन के ऊपर नहीं जा सकता किंग। तो किंग गया f1 स्क्वायर के ऊपर, उन्होंने खेला क्वीन d7 और इस पोजीशन के ऊपर रॉबर्ट बर्न ने रिजाइन कर दिया।
रॉबर्ट बोरन एक्सेप्ट कर रहे, बॉबी फिशर एक्सेप्ट कर रहे थे कि गेम कंटिन्यू हो सकती थी। जब उन्होंने सेकंड किए तब कमेंटेटर ने यही कहा कि बॉबी फिशर ने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये रॉबर्ट बर्न ने रिज़ाइन किया है गेम के अंदर। गेम को कंटिन्यू करने के लिए बेस्ट वे ये है कि क्वीन F2 देन क्वीन H3 चेक। अगर आप क्वीन को बीच में डालते हो उसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं, अगले मूव के अंदर चेकमेट हो जाएगी विद हेल्प ऑफ दिस बिशप। इसी वजह से इनको मूव करना बेस्ट फोर्स। देन रुक E1 चेक, रुक सेक्रीफाइस। अगर आप इस पोजिशन के ऊपर रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करते हो जो कि करना फोर्स है, अगर आप पहली नज़र में रुक क्वीन से कैप्चर करते हो तो ये चेकमेट है। G2 स्क्वायर का डिफेंस व्हाइट की तरह छोड़ नहीं सकता, तो रुक टेक्स फोर्स, बिशप टेक्स D4, क्वीन टोटली हेल्पलेस। इस पोजीशन के ऊपर अगर आप इस बिशप को कैप्चर करते हो तो ये चेकमेट लगी हुई है, और रुक को बीच में डालते हो उसका भी कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप क्वीन को सेक्रीफाइस करने के बाद भी गेम कंटिन्यू करने की ट्राई करते हो तो भी वाइट की लाइफ इतनी आसान नहीं होगी, कुछ कुछ इस तरह से। इसलिए रॉबर्ट बर्न ने रिज़ाइन कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको गेम अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करें।